हे दोस्तों, फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि सूर्या की मच अवेटेड फिल्म कंगवा का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है। कंगवा के ट्रेलर के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने जितना इस फिल्म से उम्मीद किया है, ये फिल्म उससे कहीं ज़्यादा बड़ी लग रही है। ट्रेलर में जो विजुअल्स दिखाए गए हैं, जो एक्शन सीक्वेंस दिखाए गए हैं और जो फिल्म का कॉन्सेप्ट दिख रहा है, वैसा शायद ही आपने किसी और इंडियन फिल्म में देखा होगा। अब फिल्म कैसी भी हो, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्टर शिवा की ज़रूर तारीफ करूँगा, क्योंकि कंगवा के ट्रेलर ने मुझे पूरी तरह से सरप्राइज कर दिया है। इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर फिल्म की कहानी अच्छी हुई और अगर कंगवा के मेकर्स ने इसका अच्छे से प्रमोशन किया, तो इसका बॉक्स ऑफिस हमारी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा होगा। मैं उम्मीद करूँगा कि कंगवा के मेकर्स यहाँ हिंदी बॉक्स ऑफिस पर कंगवा का प्रमोशन ज़रूर करें। बाकी अगर आप कंगवा के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमने कंगवा के ट्रेलर का रिव्यू कर दिया है, जिसे आप अभी हिंदी रिव्यू चैनल पर देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपको कंगवा का ट्रेलर कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दूसरी बड़ी खबर ये है कि सनी देओल ने लाहौर 1947 की शूटिंग कम्प्लीट कर ली है। खबरों की माने तो 70 दिनों के कंटिन्यू शूट के बाद आज सनी पाजी ने लाहौर 1947 की शूटिंग खत्म कर ली है। आने वाले कुछ दिनों में फिल्म पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी और फिर उसके बाद इसके पोस्ट प्रोडक्शन काम स्टार्ट होगा। लाहौर 1947 को आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है और राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है। सनी देओल के साथ इस फिल्म में प्रीति जिंटा, अली फजल, शबाना आजमी और अभिमन्यु सिंह अहम भूमिका में नजर आएंगे। टीजर ट्रेलर में अभी टाइम लगेगा, लेकिन जैसा कि फिल्म 24 जनवरी 2025 को रिलीज होगी, तो इसका ऑफिशियल ट्रेलर हमें जनवरी के फर्स्ट वीक में ही देखने को मिलेगा। तो देखते हैं गदर 2 के बाद सनी पाजी की ये फिल्म कैसी होती है। एक और बड़ी खबर ये है कि श्रीपोदा सनिवारम का ट्रेलर कल 13 अगस्त को रिलीज होगा। श्रीपोदा सनिवारम नानी की अगली फिल्म है, जिसे विवेक अथरिया ने डायरेक्ट किया है। ये एक सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी, जिसमें नानी के साथ प्रियंका मोहन और एच जे सूर्या अहम भूमिका में नजर आएंगे। श्रीपोदा सनिवारम का टीजर काफी अच्छा लगा था, तो अब देखना होगा कि इसका ऑफिशियल ट्रेलर कैसा होता है। तो श्रीपोदा सनिवारम का ट्रेलर 13 अगस्त को रिलीज होगा और ये फिल्म 29 अगस्त को रिलीज होगी। नेटफ्लिक्स की तरफ से बॉलीवुड की एक नई फिल्म अनाउंस की गई है, जिसका नाम है सेक्टर 36। सेक्टर 36 एक क्राइम थ्रिलर फिल्म होगी, जिसमें विक्रांत मिश्री और दीपक दोबरियाल अहम भूमिका में नजर आएंगे। टीजर अभी नहीं आया है, लेकिन कहा गया है कि सेक्टर 36 की कहानी एक सच्ची घटना से इंस्पायर्ड होगी। तो देखना होगा कि सेक्टर 36 की कहानी कैसी होती है। विक्रांत मिश्री और दीपक दोबरियाल की ये फिल्म 13 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। तो भाई, विक्रांत मिश्री की एक और फिल्म आ रही है। 12th फेल की सफलता के बाद विक्रांत मिश्री ने जितनी फिल्में साइन की हैं, शायद उन्होंने उससे पहले अपने पूरे करियर में भी नहीं की थी। वैसे 12th फेल के बाद अभी फिर आई हसीन दिलरुबा भी लोगों को काफी पसंद आ रही है। तो देखना होगा कि विक्रांत मिश्री की बाकी आने वाली फिल्में कैसी होती हैं। क्या विक्रांत मिश्री की अपकमिंग फिल्मों पर वीडियो बनानी चाहिए, मैं आप सबसे जरूर जानना चाहूँगा। नेटफ्लिक्स की मच अवेटेड सीरीज स्क्विड गेम सीजन 2 का पहला टीजर रिलीज किया गया है। टीजर में कुछ प्लेयर के नंबर के साथ सीरीज के लीड एक्टर ली जंग जे को दिखाया गया है। ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मेरे हिसाब से अभी स्क्विड गेम के 2-3 छोटे छोटे टीजर और रिलीज होंगे और उसके बाद ही हमें इसका ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार की कहानी कैसी होती है। स्क्विड गेम सीजन 2 26 दिसंबर से OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। द अकाउंटेंट 2 की शूटिंग स्टार्ट हो गई है। 2016 में रिलीज हुई द अकाउंटेंट एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसे काफ़ी पसंद किया गया था। तो अब द अकाउंटेंट का दूसरा पार्ट आ रहा है और उस फिल्म को भी गेविन ओकॉनर डायरेक्ट कर रहे हैं। कलाकारों की बात करें तो जहां बेन एफ्लेक दोबारा से अकाउंटेंट के रोल में नजर आएंगे, वहीं जेके सिमेंस और जॉन बेरेंथाल भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। द अकाउंटेंट 2 की शूटिंग स्टार्ट हो गई है और कहा गया है कि ये फिल्म अप्रैल 2025 में रिलीज होगी। हॉलीवुड की एडवेंचर थ्रिलर फिल्म ट्विस्टर को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। ट्विस्टर अभी जुलाई के महीने में रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक गई थी, लेकिन कहानी काफ़ी अच्छी है, जो आप सबको ज़रूर देखनी चाहिए। ट्विस्टर फिल्म को आप अभी गूगल प्ले स्टोर पर बाय और रेंट पर हिंदी डब में देख सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग खबर यह है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन का कलेक्शन कर लिया है। अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने $495 मिलियन की कमाई की है, वहीं इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर $535 मिलियन की कमाई की है। डेडपूल 3 का बजट $200 मिलियन यानी कि लगभग 1650 करोड़ है और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन 30 मिलियन यानी कि लगभग 8650 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है।
और इसी के साथ ये दूसरी एडल्ट फिल्म बन गई है जिसने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन से ज़्यादा कमाई की है। अब डेडपूल एंड वुल्वरीन के बारे में तो हमने आप सबको बता दिया है, लेकिन वो पहली एडल्ट फिल्म कौन सी थी जिसने $1 बिलियन से ज़्यादा कमाई की थी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।